फिलहाल मैंने सोचा नहीं था कि मैं होली के दिन पूरी आऊँगा। मतलब भाई मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा नागपुर, फिर मैं सोचा मैं दिल्ली जाऊँगा, फिर मैंने सोचा मैं संबलपुर जाऊँगा, पर देखो भाई होली के टाइम पे मैं बाबा जगन्नाथ के पास आ गया, तो बहुत अच्छा लगा भाई। आज होली एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो यहाँ आकर मेरे को अभी तक का सबसे बेस्ट लगा। मैं अंदर गया, दर्शन कर लिया, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। नहीं बनाता तो ख़राब लगता। पूरी गरीब रथ से आया था, वो मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। अब धौली से रिटर्न जा रहा है। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, इफ नॉट प्लीज ट्राई टू मेक इट आवर बिकॉज नथिंग इज पॉसिबल। ड्राइवर डे के लोग समझ जाते हैं कि ब्लॉगर है भाई साहब। जय बाबा जगन्नाथ। आ तो गया यहाँ पर, सीजन दिख नहीं रहा क्योंकि रीमॉडलिंग हो रहा है सीजन का, क्योंकि थोड़ा समझो यार। तो ये पूरी सीजन भाई साहब आज ट्रैवल कर रहे हैं धौली एक्सप्रेस 128 डबल 2। काफ़ी अच्छी गाड़ी है भाई ये। यहाँ से खुलता है 10:30 बजे, आप शालीमार में हो गए 7:30 बजे। शालीमार पहुँचने का फेवरेट टाइम नहीं है, पर यहाँ से खुलने का फेवरेट टाइम है, क्योंकि आपको मालूम है ऑल ओवर इंडिया में या कहीं पे भी आप जाओ तो ज़्यादातर चेकआउट टाइम 10 बजे का ही होता है। तो धौली परफेक्ट है भाई। सुबह शताब्दी है, रात को श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस है, फिर वो पूरी हावड़ा है, बहुत सारा गाड़ी है, पर ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। समझो यार, आप सुबह चेकआउट किए, आपको पूरा दिन का यूज़ किया, आप पूरा यूटिलाइज़ किए और निकल गए। अब वही हावड़ा पूरी में जाना होगा तो आपको थोड़ा मक्खन लगाना होगा उनको, दादा थोड़ा मैनेज कर लो, आधा पैसा ले लो दिन का, ये वो फलाना ढमकाना, बहुत झमेला उसमें। उसके मुकाबले अच्छा गाड़ी है। और वैसे ये बहुत अच्छा लगा यार, मैं पूरी गरीब रथ से आया, मैं दर्शन किया और मैं अब सीधा घर जा रहा, तो मुझे होटल का पैसा नहीं देना पड़ा। टुकटा करके थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया, जैसे बैग डिपॉजिट में मुझे 90 के आसपास लग गया, पर इट्स ओके। और ये आप देख सकते हो टिकट काउंटर सब यहाँ बना हुआ है, ये टेम्परेरी है, मतलब ये परमानेंट नहीं है यार, वो जैसे वो बन जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ सिचुएशन है यहाँ पे। ये सब धौली एक्सप्रेस और मेरा कुछ ही है सीवन, और एकदम लास्ट में हो यार, एकदम लास्ट में। सो हमारा लोकोमोटिव यही है भाई साहब, टाटा नगर वैफ 737260। भयंकर हॉन्कर है, टुखोर हॉन्कर है भाई। हॉन्कर तो बहुत अच्छा है, पर मैं उल्टा साइड में हूँ, यानी मैं बहुत पीछे हूँ, तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर एट ऑल। वैसे इसमें आगे 3 जनरल है, उसके बाद फिर आपको नॉर्मल नॉन एसी चेयर कार है। स्टार्टिंग कर लो, जैसे DE1 है, एक्स्ट्रा चेयर कार लगा हुआ है नॉन एसी चेयर कार, उसके बाद D11 है और फिर D1 तक है, उसके बाद आपको इसमें एसी चेयर कार है भाई साहब, C3 C2 C1 एंड देन ख़त्म। वैसे अगर आप इसको सपोज वहाँ से पकड़ रहे हो, शालीमार से पूरी आ रहे हो, यानी 128 21 में, तब आपको आगे तरफ एसी पड़ेगा, यानी C1 C2 C3 फिर D1 से लेके D11 तक, और फिर DE1 है, उसके बाद 3 जनरल पीछे पड़ेगा। तो बस यही है भाई साहब। चलो अपने कोच में चलते, भयंकर गर्म है यार। ये इसका नॉन एसी चेयर कार है, तो कुछ ऐसा है, देख लो भाई, इसके लिए आपको 190 देना पड़ेगा। रिक्लाइनर कुछ भी नहीं है, नथिंग है। इसमें पेंट्री कार है, खाने पीने का सुविधा, और ये दो साइड वॉशरूम है या वॉश बेसिन है, पानी आ रहा है, और कुछ ऐसा है। 190 इसके लिए आपको इसका एसी चेयर कार। भाई साहब कितना सुकून मिल रहा है क्या बता। और ये तो बहुत खूबसूरत है, शताब्दी का है ये, 100% से स्वर्ण कोचेस है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें कुछ एमिनिटीज आपको इस तरीके से मिल रहा है, जस्ट एक ट्रे है ये, और नीचे ये लेगरेस काम कर रहा है, मुझे लगा ख़राब होगा पर इस वर्किंग अच्छा है। चार्जिंग सॉकेट है, 2 इस तरफ के लिए, 2 उस तरफ में, नीचे में भी दिया हुआ, तो मतलब अच्छा है, हर पैसेंजर के लिए चार्जिंग सॉकेट है। मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, गया फ़ोन में तो फिलहाल से बुक किया तो नियर अबाउट मैंने इसके लिए 885 पे किया। ऐसे अगर आप नॉर्मल बुक करो तो 685 में आपका हो जाएगा। अगर आप शताब्दी में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको 1500 देना पड़ेगा, उसमें कैटरिंग सर्विसेज इंक्लूडेड है, लगभग 300 का, तो अगर आप वो हटा दो तो आपका वो 1100 के आसपास का पड़ेगा। तो ये ठीक है, शताब्दी के लिए सुबह सुबह निकलना पड़ता है, इससे आप आराम से होटल से चेकआउट करो, आराम से आओ, ट्रेन में बैठो और सीधा घर चल जाओ। कोलकाता में रहते हो भाई साहब, तो अगर काम धंधा वाला आदमी हो भाई साहब, तब तो शताब्दी बेस्ट है। सुबह निकलो भाई, दोपहर तक हावड़ा, फिर सारे काम में लग जाओ भाई साहब। ट्रेन निकल गया भाई, एकदम ऑन टाइम निकला है, तो अच्छा लगा।
हम लोग खुर्दा रोड आ गए भाई साहब, मतलब मत बोलो भाई ऐसा सोया मुझे एकदम बहुत आवाज नहीं था। अभी खुर्दा रोड आया, 5 मिनट के आसपास गाड़ी ढील है बस, कैसे। और इसके बाद हम लोग यहाँ से फिर भुवनेश्वर है, खाना ऑर्डर किया हमने, लंच वेज है, पनीर है, देखते हैं कैसा है। इसमें वेज पकौड़ा भी मिल रहा था, मतलब आलू पकौड़ा, वो आपको 30 में 2 दे रहे थे। खुर्दा रोड यहाँ से एक लाइन जो है आपको साउथ की तरफ विशाखापट्टनम निकल जाती है, और एक तो हम लोग पूरी वाले लाइन से आ ही रहे हैं। ऐसे खुर्दा रोड डिवीज़न है यार, और KUR पोर्ट था यहाँ का, मुझे याद हो गया। और इसके बाद जब मुझे आगे जाऊँगा ना, तब मुझे हो जाएगा आई विश की वो टिकट भी कन्फर्म हो जाए। आई विश नहीं हुआ तो तत्काल ट्राई करेंगे। भुवनेश्वर आ चुके हैं भाई साहब, BBS कोड है, और यहाँ पर 11:45 पर अराइवल था, 11:50 पर डिपार्चर था। और बताने का ज़रूरत नहीं भाई, BBS आपको कैपिटल है भाई साहब उड़ीसा का, और काफ़ी बड़ा शहर है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आया। अभी तक का एक्सपीरियंस ही बताऊँ तो मैं सोते सोते निकाल रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अपना विंडो स्विच जो है ना आयल के साथ चेंज कर लूँगा, उसके बाद डोर प्लेटिंग करने में बनेगा। अब जैसा अभी तक सोया हो ना, तो मुझे लग नहीं रहा और मुझे सोने का ज़रूरत है। बस P1 ये है, इसका पीछे एक और जनरल है, इसीलिए मैं देखा लोग पीछे क्यों भाग रहे हैं, आगे जाना चाहिए था। ठीक है, अब यही दिक्कत है, देखो यार जो बीच में है इधर वो इधर आ रहे हैं, और ये पूरा भर जा रहा है, पूरा पैक हो चुका है भाई। एक बात मैंने नोटिस किया, जिसका ढोली छूटा भाई उसके पास आई थिंक कोई ऑप्शन नहीं है, पूरा वहाँ पे उसको पूरी स्टे करना होगा, वो नेक्स्ट डे पहुँचेगा भाई साहब कोलकाता, यानी हावड़ा जो भी हो। वैसे पहले हावड़ा जाता था, अभी शालीमार जा रहा है, मोस्ट प्रॉब्लम मैं अकेला नहीं हूँ, ऑलमोस्ट सारे लोग उतर जाएंगे इसे सांतरागाछी। थोड़ा सा तो बेवकूफ़ी किया, अब टिका पूरा गायब हो चुका है, मुझे लग रहा है अब मुँह धो लेना चाहिए भाई साहब। कैमरा उठाया उसके बाद देख रहा पानी आने लगा, भाई क्या गर्म पानी है यार। चला यार जो भी है, इसमें एक लिक्विड सोप है, टैप है, और नॉर्मली ऐसे ही आपको बहुत कुछ नीचे का नहीं दिखाऊंगा, नीचे का मुझे पसंद खुद नहीं है भाई, तो लेट इट बी। तक आ गए भाई साहब, 12:20 पे अराइवल था इसका, और 12:25 पे डिपार्चर था। आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग 11 मिनट डिले हैं। CTC कोड है इसका, मैं जब भी आता तो बोलता हूँ यहाँ हमारे बिल्लभ नेताजी का जन्म हुआ था। ऑफकोर्स आप समझ रहे हो, मंडल आ चुके हैं भाई, ये रहा सामने दिख रहा है धन मंडल। क्या बात है, 17 मिनट गाड़ी डीले यार यहाँ पर भाई। उड़ीसा संपर्क क्रांति का देखा क्रॉसिंग भाई, क्या बोले 30,013 भाई, वो भी ABB मेट का था यार, मेरे को देख के इतना अच्छा लगा था, मतलब कभी मिल जाए ना यार 30,013। एक्चुअली ABB मतलब क्या होता है, वो एक्चुअली एक समझ जाओ भाई, जो WAF-5 जो स्विट्जरलैंड से डिस्पैच हो गया था ना, उसको ही बोलते ABB सेल बोलते हैं, सेल जो आपने देखा ना लाइन 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 बॉडी के साइड में था उस टाइप का, तो वो सब समझो भाई विंटेज है वो, किस किस जमाना में राजधानी और भोपाल शताब्दी को 150 पे टाना है।
छोड़ा है, नहीं बता सकते। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भोपाल शताब्दी अराउंड 1995 या 1996 से 150 पे चल रहा है ICS एंड स्टिल वी आर अराउंड 150। इसका अराइवल यहाँ पर धनमंडल में था अराउंड आपको 1252 और 1254 पे डिपार्चर था। देखो भाई ये बात तो सच है कि गाड़ी काफ़ी धीमी है, हर जगह रुक रुक कर चल रहा है। तो अभी हम लोग बीनापुर समथिंग कुछ जगह से निकल रहे हैं और भाई अंदर इतना चिल्ड रखा है ना भाई, अंदर बैठने से अच्छा मैं बाहर बैठ जाऊँ यार। और खाना का ऑर्डर इन्होंने लिया था मेरे से खुर्दा रोड के आसपास, अभी तक खाना लाया नहीं यार, भूख लगा है दबा कर मेरे को। मैं तो बस अब खाना मिले खाऊँगा। और ये टाइम देख लो कितना हो रहा है भाई साहब, ऑलमोस्ट डेढ़ हो गया। वेट कर रहे क्या कर सकते, वेट करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। जाजपुर के नजर रोड आ गए भाई साहब, ये सामने फलकनामा एक्सप्रेस है। भयंकर भीड़ रहता है भाई इसका, भयंकर। मतलब रिटर्न वाले में तो सिकंदराबाद जो आती है उसमें जगह ही नहीं मिलेगा आपको इसमें। और हम लोग यहाँ लेट एज यूजली आधा घंटा के आसपास लेट होंगे, जे के आर्ट कोड है यहाँ का। वैसे इसका टिपिकल बिफोर होंगी, 1:19 का अराइवल था, 1:21 पे डिपार्चर था, आधा घंटा डिले है। मालूम लग रहा है, उम्मीद है कि आगे मेकअप हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या ही कर सकते हैं, जो होगा दिखाया। भयंकर इसका भीड़ रहता भाई। इसमें S12 है, नोट करके रखना भाई, जब LHB होगा तो ये सिर्फ 6 स्लीपर 7 स्लीपर होगा मोटा मोटी, मेरे को उम्मीद है, बाकी पूरा AC हो जाएगा। क्या सीन है यार, फाइनली जाकर खाना आ गया भाई साहब। आज जो खाना के लिए तरसा होना यार, मतलब भूख लगा था इतना भयंकर कि सो गया। फटाफट इसको ओपन करते हैं। अब देखो यार कंट्रोवर्सी नहीं जा रहा है, 120 का है। मैंने वो IRCTC का चार्ट देखा था जो 80 रुपीज़ है, उसमें पनीर लिखा ही नहीं है, तो मैं कैसे बहस करूँ पनीर के लिए। फिर भी आएगा तो मैं एक बार बात करूँगा कि भाई क्या है, और टेस्ट देखते कैसा है, क्वान्टिटी देखते कैसा है। आप देख सकते हो ये राइस है, इसमें चपाटी नहीं है, मतलब रोटी नहीं है, एक आपको पिकल है, दाल है। दाल का हाल तो खाने के बाद मालूम पड़ेगा। और यहाँ पे मिक्स सब्जी है, और यहाँ पनीर का सब्जी है, और यहाँ पे आपको है राइस, तो दो जगह राइस है। इसको फटाफट खाते हैं, खा कर रिव्यू देते हैं। हम लोग भद्रक से निकल गए भाई साहब, और हम लोग अभी करीब 13 से 14 मिनट के आसपास दिले हैं। ठीक है यार, खाना खा रहा था उस समय, खाना वैसा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल था। अब देखो भाई, मैंने उसको बोला यार 120 कैसे मांग रहे हो, 80 रुपये प्लेट होता तो। उसने कहा कि सर भैया, मतलब सही बोला सर, उसने कहा कि सर पनीर है, मतलब पनीर का 40 रुपये थोड़ी लगता है यार, पनीर कितना ज़्यादा क्वांटिटी का था, नॉर्मल तो क्वांटिटी है पनीर एकदम। एज यूजली भाई साहब बोल रहा है कि भैया गलती हो गया, ये वो फलाना है, हमकाना है। मैंने बोला बिल तो दे दे भाई, बोला आप बिल मत लीजिए, आप बिल लोगे आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे, वीडियो रिकॉर्ड करके बोला कैमरा तू ले ले भाई, वीडियो तो दो यार, बिल ही नहीं दिया। ठीक है यार, मैंने भी 120 दे दिया। मैंने बोला बोल, पैसा जब दे रहा था 80 रुपये, तो मैंने बोला कि ले लो यार 120 रुपये, होली का टाइम था। अब वो मुँह देगा, मैं भी दे दिया तो खुश हो गया भाई साहब। तो ठीक है यार, लेट इट बी यार। आप देखो यार, आप अगर इसमें खाना आपको ओवर प्राइस मिल रहा है, जैसे वेज थाली 80 रुपये है, चिकन थाली का है, आपको ये सब का प्राइस एकदम IRCTC का मिल जाएगा। आपको इस तरफ में दिख रहा होगा, IRCTC का चार्ट ही पूरा इस तरफ में दिख रहा होगा। इससे अगर 1 रुपया भी महंगा मिल रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, ट्विटर में जाना है, ट्विटर में जाकर सिर्फ एक ट्वीट करना है जिसमें आपको टैग करना है रेल सेवा को, IRCTC को और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, दैट्स इट। और आपका इच्छा हुआ तो आप DRM को भी टैग कर सकते हो, जो जोन से क्रॉस कर रहे हो, या जैसे मैं खुर्दा के DRM को, ये सबको। तो बस हो गया, इतना कर दिया आपका, जो भी प्राइस है एकदम सही प्राइस के साथ आपको खाना मिल जाएगा, एकदम सही प्राइस के साथ। हम लोग सोरो आ गए भाई साहब, गाड़ी खड़ा है, मालूम नहीं कब डिपार्ट करेगा गाड़ी, लेट भी है। ये गाड़ी का हॉल तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है लोग को सर्विस दे रहा है, ये बात सच है। वैसे इसका शोरूम अराइवल 236 का था और डिपार्चर 238 का है। हम लोग यहाँ पे भाई साहब 24 से 25 मिनट डिले है यार, अब गाड़ी खुल भी नहीं रहा, 2 मिनट से ज़्यादा हो ही गया है, और इवन गार्ड साहब भी नहीं है गेट पे, तो अभी तो उम्मीद दिख भी नहीं रहा है, तो बड़ा झमेला है यार।
बालेश्वर आ गए भाई साहब। 3-4 पे अराइवल था, 3-8 पे डिपार्चर था यार। भयंकर गाड़ी वाहियात रन दे रहा था यार, मतलब इतना रुक रुक के चल रही है, क्या बताओ। ऐसा गाड़ी का रन होता नहीं है, मालूम नहीं आज ही इतना मेहरबान क्यों है। आज ही अगर रिटर्न करना तो यही एक गाड़ी है मेरे ख्याल से जो आपको पहुंचा रहा है। ठीक ही है, 130 तो नहीं हुआ पर 120 हुआ। मेरा दोस्त बोला नॉन जीपीएस है भाई साहब, 140 मारेगा, यहाँ तो 120 पे ही चल रहा है यार। ठीक है यार, 120 खराब नहीं था, 130 होता तो और अच्छा लगता। पहले डेट भी 4 मिनट का ही हॉल्ट है, 3-8 पे डिपार्चर था, यहाँ पे 3:30 हो रहा है। आई होप कि घर जल्दी पहुँच जाए, होली का दिन है। क्योंकि भाई दिन में होली नहीं खेले कोई दिक्कत नहीं, पर रात को अगर अबीर नहीं लगाए घर में ना बड़े लोग को, तो बस भाई साहब घर निकालन हो जाएगा मेरे को, घर से निकाल दिया जाएगा। और ये मेन लाइन है भाई, एक छोटा सा अलार्म हमेशा देता हूँ, मेन लाइन से जब भी गाड़ी डिपार्ट करे आस पास ही रहो, दौड़ने का स्कीम मत लगाओ भाई, तो फंस जाओगे यार। मजदूर लग रहा हूँ यार, मजदूर मतलब गलत चीज़ में, मतलब जो कोयला वाला नहीं होता, कोयला वाला कौन सा, ट्रेन में लोको पायलट होता पहले के टाइम, ऐसे ही टोपी पहन लेते थे भाई साहब, चश्मा पहन ले, चश्मा तो होता नहीं था, बस लगे हुए हैं स्पीड में बनाने के, और बालेश्वर से निकल गए। वैसे मैंने एक बात बताना भूल गया यार, चांदीपुर बीच है भाई, मैंने हर बार आता तो बताता हूँ, इस बार ही बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे DRDO का और इसरो का कुछ मिसाइल प्रोग्राम होता है हमेशा, हमेशा नहीं मतलब ज़्यादा नहीं होता है चांदीपुर, बस यहाँ से आप चांदीपुर जा सकते हो, बीच भी है तो घूमने भी जा सकते हो, और वहाँ देखो बस स्टैंड पर। भाई साहब 3:30 का अराइवल था, 3:32 पे डिपार्चर था, और हम लोग का अराइवल देखो कितना है, ऑलमोस्ट 4 बजने वाला, 28 मिनट के आसपास डिले है। अब मालूम नहीं डिले कितना लंबा रहेगा भाई, परेशान हो गया यार। गेट पे बैठे हैं और यही तो मुझे मज़ा है भाई, इसी चेयर कलर का सबसे मुझे अच्छा लगता है, ये जो सीट होता है ना गेट के पास, तो बेस्ट है, अपना आराम से कॉफ़ी एंजॉय करो, और बाहर का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है, पूरा एक अलग ही धुआं धुआं हो रखा है पूरा यहाँ। मैंने प्राइस बताना भूल गया, मैंने अच्छा खासा कंप्लीट भी कर लिया है, तो ये 25 पर पड़ा है, कैपेचिनो है तो आप ही ले सकते हो, काफ़ी मस्त होता है, प्रीमिक्स कैपेचिनो होता है, 25 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है। भाई साहब खड़गपुर आ गए, और मत बोलो यार कितना लेट टाइम हो रहा है, देख लो भाई इस 5:45 कितना लेट हो गया यार, क्या बोलूँ। 5 का अराइवल था और 5:10 पे डिपार्चर था, हम लोग यहाँ पर सही बताऊँ तो 35 मिनट के आसपास डिले थे भाई। कोई बात नहीं, अब गाड़ी यहाँ से निकलेगा, इस्पात एक्सप्रेस निकल गई वहाँ से, वहीं पर खड़ी थी इस्पात एक्सप्रेस। अब धौली का भी अनाउंसमेंट हो गया कि अभी ये निकलेगा, बहुत अच्छा है। चलो वैसे खड़गपुर का बात करें तो KGP कोड है, 4th लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है भाई साहब, पहला तो आपको हुबली है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है भाई हुबली, ये तो बहुत अच्छा गर्व का बात है। दूसरा गोरखपुर, तीसरा कोलम, और चौथा जो है भाई साहब
ये एक टाइम था जब ये लॉन्गेस्ट हुआ करता था, और ये 5 नंबर है लॉन्गेस्ट वो वाली है भाई साहब, आपको दिखाता हूँ मैं, आप देख कर समझ जाओगे। ये 4 नंबर है और वो 3 नंबर है अगर मैं गलत नहीं हूँ, या तो 2 नंबर होगा तो 3 नंबर होगा, दैट्स इट। तो इसका ऐसा है, देखो एक ट्रेन वहाँ से लेके भाई यहाँ खड़ी होती है और एक ट्रेन उसके पीछे खड़ी होती है, आप वहाँ सिग्नल देख पा रहे हो आई थिंक। तो ऐसा करके इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये भी काफ़ी लंबा है। अब सोचो किसी कोई बंदे को अगर वहाँ से लेके वहाँ कोना तक चलना होगा तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट्स ट्रू। 1 किलोमीटर है भाई वो एंड से लेके वो एंड तक। ये ट्रेन में अगर आपको चढ़ना है तो आपको टाइम लेके चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरी से तो होटल चेकआउट कर ले रहे हो अपने ऑन टाइम पर, वहाँ से गाड़ी खुल जा रहा है ऑन टाइम, पर रास्ते में बहुत लेट हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। आई होप आप समझ पा रहे हो क्या प्रॉब्लम है। कोई होती नहीं आया यार, जैसे गेट पर गया भाई साहब वापिस से क्रॉल कर रहा है कि पनीर पकौड़ा इसमें मिलता है, 5 पीस है भाई साहब 50 रुपीज़, एक टोमेटो केचप दिया इन्होंने, अच्छा बात है। और इसी का तारीफ कर रहे थे ट्रैवल विद सौमित भाई साहब, यानी हमारे दोस्त है वो, तो वही इसका बहुत तारीफ कर रहे थे। देखते हैं कैसा है पनीर पकौड़ा, फटाफट कम्प्लीट करना होगा, अदरवाइज अगर मैंने लेट किया तो ऐसे एक बाली चक निकल गया, फिर से गाड़ी MPS पे जा रहा है। बट एक्चुअली जो ट्रेन में बहुत सारा वैरायटी का खाना मिलता है ना, उसमें मज़ा ही अलग आता है। शरीर के हिसाब से 9 सूट नहीं कर रहा है, ठीक है यार, लेट इट बी, क्या फर्क पड़ता है, ख़राब नहीं है। ये पनीर का साइज उसमें तो पनीर है भाई साहब, पनीर का क्वांटिटी है, बट गुड। बाकी टेस्ट वेरी करता है, मेरे को अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, मे भी टेस्ट तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है भाई। मेरे खाते खाते चीज़ बहुत अच्छा हुआ कि उसको रिवर्स दे देगा। रिवर्स क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रैक टोटल 3 है, जैसे मान के चलो उस तरफ में है वो आपको हो गई हावड़ा जाने के लिए, वो हमेशा फिक्स है कि उस ट्रैक पे हमेशा हावड़ा जाने वाली ट्रैक गाड़ी रहेगी, इस ट्रैक पे हमेशा ये जो साइड वाली है इस पे हमेशा जो है खड़गपुर जाने वाली गाड़ी रहेगी, और जो मिडिल है ये समय टाइम टू टाइम चेंज होता है, इसमें कभी हावड़ा जाने वाली गाड़ी चलती है, इस पे कभी खड़गपुर जाने वाली गाड़ी चलती है, इसीलिए उसको रिवर्सल कहते हैं। अब अगर रिवर्सल मिला है तो भाई साहब क्लियरेंस मिलेगा ना, उस पे लोकल रहेगी, और इस पे तो नॉर्मल ट्रेन जा रही है खड़गपुर वाली है, भाई साहब को क्लियरेंस मिलना चाहिए, अब अच्छा भगा है, मज़ा आ जाए, और क्या चाहिए।
भाई साहब आ गए सांतरागाछी, कंट्रोलर जैसा सब देख रहे थे आगे कौन गाड़ी है कितना आ गया यार। फाइनली चलो अब भागते हैं यहाँ से। और ये क्या बात है, स्टेशन पे मंदिर है वाह। 48 पर अराइवल था, 650 पे डिपार्चर था। 2 मिनट का हॉल्ट है भाई साहब, और हम लोग जो आए हैं ऑलमोस्ट 1 घंटा डील है। हम लोग का आमता लोकल 10 आएगा, अब वो घुसे उससे पहले पहुंच जाते हैं क्योंकि वो पकड़ लेंगे तो चांदी चांदी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि शालीमार जाने वाला ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आया। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि 1 नंबर पर आता है, ठीक है। पेंड्रिका का सर्विसेज ठीक था, पंक्चुअलिटी बकवास है यार, बहुत क्रॉल करता है गाड़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। एज ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, माशाल्लाह, टेक केयर एंड डू व्हाट एवर यू वांट माय लवली फ्रेंड, जस्ट डू इट। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए एडिसन और सबक है बाबा। ऑलमोस्ट सारे लोग यहाँ उतर गए भाई, सारे लोग। तो ये गवर्नमेंट का वर्स्ट डिसीजन है भाई शालीमार बनाने का, मालूम नहीं क्यों ये मेंटेन कर रहे हैं। सारे लोग उतर गए यार, और ये थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है एरिया मुझे। मेरे पापा तो बहुत खुश होंगे, इवन मम्मी भी खुश होगी, जस्ट बिकॉज वो देखेंगे कि सुबह सुबह मंदिर चला गया। वो लोग एकदम मतलब खुशी का उनका ठिकाना नहीं होगा यार।